सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको चलासन बतलाने जा रहा हूँ। यह आसन भी है और ध्यान के लिए आसन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आसन को करने का फायदा यह है कि आपका ध्यान सकता है बहुत आसानी से, बहुत रुचिकर भी है और योग में बहुत तेज आपकी प्रगति होगी। इस आसन से हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने में, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने में, मन में उठ रही भावनाओं को देखने में, विचारों को महसूस करने में सुविधा होती है। इस आसन से स्थिरता भी आती है और स्थिरता और गति के मध्य सामंजस्य बनाने में सुविधा होती है। यह जो चलासन है, इससे आपके शरीर में अगर हल्का फुल्का दर्द है, वात रोग की शिकायत है, तो वह ठीक होता है। और श्वास संबंधित परेशानी है उसमें भी फायदा देता है और हृदय के लिए बहुत अच्छा है, रक्तचाप को नियमित करता है। साथ ही यह घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए, टखनों के दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा है। यह गुर्दे के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक साथ इतने फायदे होते हैं इसके, और इसकी अवधि जो है करने की, वह कम से कम 5 मिनट और आगे आपकी जितनी क्षमता हो सकती है 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक भी आप कर सकते हैं, 2 घंटे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत स्थिर तब पूर्वक किया जाने वाला है। वैसे तो सारे आसन स्थिर तब पूर्वक किए जाते हैं, लेकिन यह कुछ विशेष है। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, किसी भी एक ध्यान आसन पर बैठ जाना है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन में आप बैठ जाएंगे। इन आसनों को आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आसनों के उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब जब बैठ गए, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर पद्मासन की स्थिति बना लगती है, पैर के ऊपर पैर चढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यह जो है ज्ञान मुद्रा, इसको लगा लेते हैं। ये वैराग्य मुद्रा है, इसको लगा लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे, ज्ञान मुद्रा हो जाएगा। दोनों ही पोजीशन पर आप बैठ सकते हैं और पहले स्थिर बैठना है, सांस को सामान्य रूप से चलने देना है और फिर सांस अपने आप स्वतः ही धीमी होगी, आपको धीमा नहीं करना है, अपने आप ही धीमी होगी। जैसे जैसे आप स्थिर होंगे वैसे वैसे धीमी होगी। अब इसके बाद आपको आगे पीछे झुकना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का हिलना है आगे पीछे, फिर आपको साइड में हिलना है हल्का हल्का। आंखों को स्थिर रखना है, श्वास पर आपका ध्यान रहे।
श्वास प्रश्वास पर आप जब ध्यान देने लगेंगे तो मस्तिष्क में स्थिरता आने लगती है। इसके हिलने से जो है हम लोग का चित्त भी थोड़ा बहुत हिलेगा। जब चित्त हिलेगा तो क्या होगा कि आपको अंतर साफ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि मध्य में कुछ केंद्र है और उसके इर्द गिर्द की गतिविधियां हो रही हैं हिलने वाली। इसी में आपको दिल की धड़कनों पर भी ध्यान देना है, उसके अंतरों को भी समझना है। और फिर धीरे धीरे आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है, जो भावनाएं उठ रही हैं उन पर ध्यान देना है। अपने आप ही ध्यान चला जाएगा, बस खाली आप सजग रहें। इस तरह से क्रमशः करते 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 इसमें आनंद आने लगता है बहुत, और धीरे धीरे आप लीन होने लगेंगे। आपकी जो इंद्रिय शक्ति है, मन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, धीरे धीरे लीन होने लगेगी और आप ध्यान में उतर जाएंगे। यही विधि है, तो इसको अपनाइए और अनुभूति लीजिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि कोई भी विद्या बांटनी चाहिए, अनुभूतियाँ बांटनी चाहिए। परमात्मा ने बांटने के लिए हम लोगों को दिया है, शेयर कीजिए, तो सभी को बताइए। लेकिन बताने के पहले खुद प्रयोग कर लीजिए अच्छा से। तो इसमें इतना ही। हरिओम।